हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, यहां पर ग्रुप डी वाले एस्पायरेंट के लिए दो दो बड़ी अपडेट सामने आ रही है। सबसे पहली जो अपडेट है वो मैं आपको बता दूं, वेस्टर्न रेलवे की तरफ से है, और दूसरी जो अपडेट है वो सेंट्रल रेलवे यानी कि मुंबई की तरफ से है। तो दोनों अपडेट आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मेक श्योर कि आप वीडियो कंप्लीट देखें, छोटा सा वीडियो रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बात करते हैं पहले अपडेट की। जो पहला अपडेट है वो है वेस्टर्न रेलवे की तरफ से। यहाँ पर ऑफिशियल नोटिस जारी हो चुका है वेस्टर्न रेलवे के पीटी के रिगार्डिंग। ठीक है, इससे पहले आप लोगों ने देखा था सिकंदराबाद का पीटी डेट आ चुकी है, चेन्नई की आ चुकी है, भुवनेश्वर की पीटी डेट आ चुकी है, और यहाँ पर वेस्टर्न रेलवे मुंबई यानी कि अहमदाबाद की भी पीटी डेट का नोटिस आ चुका है। यहाँ पर नोटिस में इन्होंने साफ साफ बताया है कि जिन स्टूडेंट का भी एग्जाम 17/8 से 11/10 तक चला था, ये सारी बातें आपको पता है। और इन्होंने बताया कि रिजल्ट में 27,439 स्टूडेंट को जो है सेलेक्ट किया गया या शॉर्टलिस्ट किया गया है, और उन सभी का जो पीटी है वो 10/1/2023 से स्टार्ट होने वाला है, टेंटेटिव है, यानी कि 10 जनवरी 2023 से। तो यहाँ पर देखो 10 तारीख से ही आपका अहमदाबाद का स्टार्ट हो रहा है, और आई थिंक जो है आपका 10 तारीख से ही भुवनेश्वर का हो रहा है 10/11/12 में, और 12 तारीख से आपका सिकंदराबाद का है। यानी कि जनवरी में ही बहुत सारे जोन के जो पीईटी है वो कंप्लीट हो जाएंगे। इस बार जो पीईटी है वो बहुत तेजी से चलने वाला है, वही सारी बातें यहाँ पर बताई गई है। ये नोटिस मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको मिल जाएगा, वहाँ जाके भी आप इसको देख सकते हैं। बेसिकली कहने का मतलब है कि अहमदाबाद वाले स्टूडेंट को 10 तारीख से पहले जो है प्रिपेयर हो जाना है अपने पीटी के रिगार्डिंग। बाकी ये नोटिस मैं अपना टेलीग्राम में दे दूंगा। दूसरा जो अपडेट है वो है सेंट्रल रेलवे मुंबई की तरफ से। देखो, इससे पहले भी एक जोन में वैकेंसी को रिवाइज किया गया था, और यहाँ पर जो है अब मुंबई सेंट्रल रेलवे की जो वैकेंसीज को भी रिवाइज किया गया है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखो ये ऊपर वाला जो पूरा चार्ट है ये पुरानी वैकेंसी है, 9,345 टोटल वैकेंसी थी। अब देखो नंबर ऑफ पोस्ट जो टोटल में है वो तो सेम ही है इस बार भी, ये रिवाइज होकर जो नया नोटिस आया वो वाला है। तो नंबर ऑफ पोस्ट तो यहाँ पर भी 9,345 ही हैं, और ऊपर भी 9,345 थी। लेकिन यहाँ पर बड़ी खबर ये है और अच्छी खुशखबरी भी है कि पोस्ट यहाँ पर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुई है। देखो मैं आपको टेबल में समझाता हूँ। नंबर एक पर आप लोग देखना, सबसे पहले यहाँ पर देखो नंबर एक पर क्या है, आपकी असिस्टेंट वर्कशॉप की पहले टोटल जो पोस्ट थी वो थी 720। ठीक है ना, आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर असिस्टेंट वर्कशॉप की अब जो टोटल पोस्ट हो गई है वो है 144, यानी कि वर्कशॉप की पोस्ट यहाँ पर कम हो गई है। अब इसी तरह से यहाँ पर पोस्ट को ऊपर नीचे किया गया है, तो कुछ ऐसी पोस्ट हैं जो यहाँ पर बढ़ी हैं। देखो नीचे से देखते हैं अगर हम लोग, तो यहां पर नंबर 17 पर ट्रैक मेंटेनर है, ये पहले कितने थे 3219 थे, ठीक है ना, ये वाली पोस्ट। और अभी जो ट्रैक मेंटेनर है उनकी पोस्ट कितनी हो चुकी है लास्ट में आप जाओगे तो ये हो चुके हैं 4402। ठीक है, उसके बाद देखो दूसरे नंबर पर हॉस्पिटल असिस्टेंट की जो पोस्ट है अभी कितनी हो चुकी है, ये हो चुकी है 112। और अगर मैं पहली बात करूं तो पहले हॉस्पिटल असिस्टेंट की कितनी थी, 112 ही थी, यानी कि यहाँ पर ट्रैकमैन की पोस्ट बढ़ी है। अब चलो हम लोग यहाँ पर पॉइंट्समैन का भी देख लेते हैं। देखो पहले जो पॉइंट्समैन की पोस्ट थी वो कितनी थी, 1099 पहले पोस्ट थी पॉइंट्समैन की, अभी कितनी हुई है एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ पर जो पॉइंट्समैन है तो यहाँ पर ये हो चुकी है 1282, यानी कि 1000 से बढ़कर ये कितनी हो गई, लगभग 1200 हो गई है। तो इस तरह से यहाँ पर पोस्ट को ऊपर नीचे किया जा रहा है, और इसका रीजन क्या है ये तो मुझे सही से नहीं पता है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कुछ पोस्ट जो है रेलवे में उसको खत्म किया गया है, तो उसकी जगह पर जो है जैसे ट्रैकमैन की पोस्ट बढ़ाई जा रही है, तो ये सब किया जा रहा है। बाकी ये वाला भी जो स्क्रीनशॉट है मैं अपने ग्रुप पे दे दूंगा, आप आराम से जाके देख लेना कि आपके जोन में कितनी पोस्ट कौन सी कैटेगरी में बढ़ी है। ठीक है ना, ये सारा डाटा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना।